महाराज कैबिनेट में शामिल होने के बाद इमरती देवी को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी फिक्र नहीं रह गई, जिनमें अब तक वो गहरी आस्था जताती रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इमरती देवी वैसे भी अपने चुनाव प्रचार में दिए बयानों के चलते विवादों में है। पहले कलेक्टरों के लिए कहा कि वो हमें जितवा ही देंगे, फिर कहा कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, पर बीजेपी ने इन बातों के लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बीजेपी के नेता इमरती देवी का बचाव ही करते नजर आए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, शायद इसलिए इमरती देवी को अब लगने लगा है कि वो जो भी करेंगी और कहेंगी सब चलेगा। यही वजह हो सकती है कि वो अब उन लोगों के बीच भी पहुंच रही हैं जिनसे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ वादे कर चुके हैं, और ये कहने से भी नहीं चूक रही कि वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगी। ये वो जगह थी जहां अतिथि विद्वान अपनी शिकायतों को लेकर बैठे थे। इमरती देवी इन लोगों के बीच पहुंची और बड़ी बड़ी बातें भी की। मैंने कहा कि जो मांगे हैं, मैं माननीय सिंधिया जी से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि हमारे लोगों का इतने पैसे में भरण पोषण नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई है, मकान का किराया है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो इनका जो इनकी मांग है उसको पूरा करा जाए, उसकी लड़ाई मैं अपने नेताओं से लड़ूंगी। चुनाव से पहले इनकी मांगे पूरी करा दें? नहीं, निवेदन करूंगी, मैं अपने नेताओं से निवेदन करूंगी, पूरे तरीके से अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जहाँ तक मैं, आपने तो देखा होगा, मैं जिस चीज को लड़ती हूँ, और मैं पूरी मांग करूंगी, उनसे निवेदन करके कहूंगी, अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद दिला दें, ये वही वर्ग है जो सिंधिया के मेगा शो में उनसे मिलने पहुँचा था, जिनसे कागज लेकर सिंधिया जी बात करने का आश्वासन दे रहे थे और वापस उन्हें लौटा दिया था। अब जिस वर्ग के भरोसे खुद सिंधिया जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उसकी बात आगे बढ़ाकर इमरती खुद क्रेडिट लेना चाहेंगी तो सिंधिया क्या करेंगे?